नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि ये जो है 63वीं कम्बाइंड प्रीलिमिनरी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2018 का 30 पार्ट थर्ड है, यानी कि यहाँ 101 नंबर प्रश्न से 150 प्रश्न तक लिया जाएगा। दोस्तों, इसके पहले के दो जो वीडियो है उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा पार्ट वन पार्ट टू करके, ठीक है। तो देखिए, जो 63वीं बीपीएससी की परीक्षा जो कि 1 जुलाई 2018 को हुआ था, और बिना प्रीवियस प्रश्नों के आप आने वाले एग्जाम की जो तैयारी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अन अकेडमी फॉलो करने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं आपने किया है तो, और साथ साथ अन अकेडमी डॉट या सीधा सीधे आप जाइए और अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश यूजर स्लैश ओमनीसेंट के नाम से भी खोज सकते हैं। दोस्तों देखिए, 100 नंबर का प्रश्न तो पिछले वीडियो में लिया गया था। अब 101 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था, ठीक है। जनक्रांति, हुंकार, कृषक समाचार या विद्रोही, और जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा हुंकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 102 नंबर की, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, और जो आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा, यानी सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। प्रश्न नंबर 103 है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ऐसा बीपीएससी के द्वारा दिया गया, और ई का टोटल 150 प्रश्न, 15 ऐसे प्रश्न जो कि जिसका ऑप्शन सिर्फ ई है, तो ई को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, बहुत सारे लोग ने ई को जैसे ही छोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 104 है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। देखिए, ये जो 104 नंबर का आंसर है दोस्तों, ये जयप्रकाश नारायण थे, जबकि अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। तो ये सचिव जयप्रकाश नारायण जेपी थे। प्रश्न नंबर जो है 15 है कि 105 है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। देखिए, ये ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं और एन सिन्हा दोनों ही हैं, दोनों चुने गए थे, और इसके अलावा भी जगजीवन राम वगैरह भी जरूर होंगे, लेकिन दो तो निश्चित है, क्योंकि एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे एन सिन्हा, और राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। खैर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा, दो ही से पता चल जाता है। प्रश्न नंबर जो 106 है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, यहाँ मोहम्मद यूनुस को भी देखा गया है कंफ्यूज करने के लिए, और आंसर जो है यही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बार अंग्रेजों ने इन्हीं को मौका दिया था, जो राज्यपाल हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, तो मोहम्मद यूनुस को ही दिया गया। हालांकि इन्होंने इनका मंत्रिमंडल चलिए कभी भी सदन में अपनी जो है जो बहुमत साबित नहीं कर पाया था, खैर इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 106 का बी। प्रश्न नंबर 107 है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बिहार से हैं, और देखिए ये जो है लॉर्ड मिंटो ने कहा था लॉर्ड मिंटो जो है पाकिस्तान के जन्मदाता है, वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा 107 का। प्रश्न नंबर 108 पे आते हैं कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किसने किया, यानी कि जो गांधी मैदान पटना के बीच में है और सबसे मेन सेंटर में है, देखिए, और इस गांधी मैदान का पुराना नाम पटना लॉन था, गांधी मैदान किसने रख दिया, ठीक है। तो देखिए ये कैसे पड़ा, और जाहिर सी बात है बहुत सारे पीछे कहानी होती है, तो देखिए ये भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर जो है इसका नाम गांधी मैदान नामकरण कर दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, 108 का डी। प्रश्न नंबर जो है 9 है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, आंसर है दोस्तों यहाँ पर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है और उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना का ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 110 है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की, और देखिए ये जो उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो है 111 कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये की गई थी 19 जुलाई 1905 को की गई, ऑप्शन ए हो जाएगा सही,
बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ है 19 जुलाई 1905 को। प्रश्न नंबर जो है याद रखना होगा, ये सब सेट ना स्टैटिक जीके है ये सब। प्रश्न नंबर जो है 112 ही, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मदन लाल ढींगरा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 113 है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? ठीक है, और जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के के तहत। ठीक है, प्रश्न नंबर 114 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त में से एक से अधिक किस दो, जाहिर सी बात है सिर्फ दूसरे में भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यहाँ पहला, तृतीय में पहला और तीसरे में नहीं भाग लिया था, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता उन्होंने एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी। ठीक से 115 का जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते, प्रश्न नंबर 116 है कि इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, वेबल, स्टेफर्ड किस, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अब आंसर एकदम सही सटक है और सटीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बेबल हो जाएगा। 117 है दोस्तों, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? देखिए ये जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा सी, यानी खफी खान ने लिखा था, क्षमा कर रहमत अली ने लिखा था, नाउ और नेवर, ऑप्शन सी हो जाएगा 117 का सी, रहमत अली। प्रश्न नंबर 118 है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? देखिए सती को गैर कानूनी जो विलियम बेंटिक ने किया था, सती को गैर कानूनी घोषित, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 119 है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? और आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1900 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। ठीक है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 120 है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? आंसर है सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, मैथ से रिलेटेड 10 प्रश्न तो आते ही हैं, तो देखिए यहाँ पर एक जनसंख्या, एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है, और यदि उस संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? और उत्तर है दोस्तों 121 का बी हो जाएगा, यानी कि 9। प्रश्न नंबर 122 है, यहाँ से देखिए यहाँ 124 नंबर का प्रश्न यहाँ पढ़ देते हैं कि 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है, और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, और 5 महिलाएं 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? और आंसर जो हो जाएगा 121। ठीक है, 24 का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, 7। अब 122 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 122 नंबर का प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना जो है बचा लेता है, उसका मासिक खर्च क्या है? तो आंसर है दोस्तों 2400 रुपये मासिक खर्च उसका 2400 रुपये है। 125 नंबर प्रश्न है कि 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से भाग हो जाती है? सीधा सीधी 11 और 90, एक 90 नहीं 11 और 90 के बीच में, तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन काउंटिंग में हमेशा लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा हमारा, 11 ही संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा 11। प्रश्न नंबर जो है 26 पे 123 पे आते हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ करता है, यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 123 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 140 होगा। यहाँ पर प्रश्न है 126 नंबर के, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायन कर सकता है, यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने में उसे 50 मिनट लगते हो तो उस स्थान की दूरी कितनी होगी? बताइए, सब सॉल्व करने का बात है, आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखें खैर यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं जो कि 127 नंबर का है। प्रश्न नंबर 127 है दोस्तों कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 तथा रुपये तथा 3 वर्ष में 4,913 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या होगा? आंसर है सी, यानी कि 4,096 रुपये हो जाएगा। ये प्रश्न यहाँ पर 128 पैसे चलते हैं कि एक व्यक्ति 20 रुपये मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर
का बाजार भाव कितना होगा, और 128 का, 128 नंबर का प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा 15 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 129 है कि यहाँ की चार्ट, पाई चार्ट दिया गया है, और पाई चार्ट किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ग में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्न को उत्तर दें। प्रश्न यह है कि फुटबॉल पर क्रिकेट का कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है, और जो उत्तर है दोस्तों यहाँ पर सब देखिए प्रतिशत में दिया गया है, और जो 129 नंबर का प्रश्न है उसका ई हो जाएगा 33.1/3। ठीक है, 33.1/3 प्रतिशत। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, 130 नंबर में है कि एक व्यापार में ठीक है, ए जो है 76,000 रुपये का निवेश करता है, कुछ माह बाद जो है उसमें बी 57,000 के साथ जुड़ता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 2:1 के अनुपात में उनमें बांटा जाता है, तो बी कितने माह के उपरांत जुड़ा है। देखिए बी जो है कितने माह के उपरांत जुड़ा है, ऐसा कुछ लिखा गया, कुछ पस यहाँ पर कुछ माह पश्चात कर दिया है, तो ही आंसर पूछा जा रहा है। और देखिए आंसर जो हो जाएगा 130 का बी हो जाएगा, यानी 4 महीने के पश्चात वो जुड़ा है। दोस्तों मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैथ पे फोकस ना करके जीके पे फोकस करना ज़्यादा उचित होगा। जिनको मैथ आता है पहले से उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है। प्रश्न नंबर 131 है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं किसके। देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं ये बी यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 132 से ब्रोमीन होती है, क्या होती है ब्रोमीन, वो होती है दोस्तों लाल द्रव्य होती है, ब्रोमीन जो है लाल द्रव्य होती है। प्रश्न नंबर जो 133 है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, आंसर है दोस्तों सी यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। प्रश्न नंबर 134 है गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी, तो देखिए ये जो होती है वो जस्ते की परत होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनाइज लोहे पर पाइप पर परत होती है जस्ते की। ठीक है, 134 का 135 नंबर का प्रश्न है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है कितना, तो कि ये जो सीमा हो जाएगा वो हो जाएगा 3900 से 3600 एंगस्ट्रॉम। प्रश्न नंबर 136 है कि कपड़े साफ करने प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं क्या है, तो ये डिटर्जेंट जो है ये सल्फोनेट है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो है 137 है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो क्या है, और इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, बाकी गंधक लोहा मैग्नीशियम जस्ता जो भी है आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर जो है 138 है नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, देखिए नीला थोथा जो है रासायनिक रूप से जो है आयरन सल्फ कॉप क्षमा करें कॉपर सल्फेट है, ऑप्शन सी हो जाएगा कॉपर सल्फेट। प्रश्न नंबर 140 है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता क्या है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित यानी पॉजिटिव जो होता है धनावेशित किस में होता है, तो जाहिर सी बात है 139 का जो डी हो जाएगा यहाँ न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, धनावेशित हिस्सा जो है हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो है प्रोटोन को मार दिया है। प्रश्न सारे जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है बीपीएससी के द्वारा दिया गया, इसलिए कोई संदेह नहीं रहना चाहिए इसमें। प्रश्न नंबर 140 है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं क्या, देखिए बहुत इस बहुत साधारण प्रश्न है लेकिन हमेशा पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है इसे, अंग्रेजी में इसे दोस्तों सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, जबकि संघनन को कंडेंसेशन और उसके बाद वाष्पन और उबला, तो ये सब कोई टेंशन नहीं है, ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, और 141 नंबर का प्रश्न है दोस्तों बी यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ये करता है। प्रश्न नंबर 142 है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक क्या है, देखिए 142 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर जो होता है दोस्तों ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 143 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, और 143 का जो हो जाएगा चावल, चावल जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो है नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा आपका 144 की निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है, सबसे भारी धातु जो है दोस्तों प्लेटिनम है। ठीक है,
सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। प्रश्न नंबर 145 है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका? एक स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, ये है इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 146 है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीधा प्रश्न में आते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है तो किससे बना होता है, यह क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न 147 है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? ये बहुत ही थोड़ा सा प्रश्न पुराना है और स्कूल वाला है, 110 के अंदर या 9th में ये प्रश्न ज़्यादातर प्रश्न रहते हैं इस तरह का प्रश्न। देखिए तो जाहिर सी बात है नीचे लगा नीचे वाला भी पढ़ाई आपका पीछे का पढ़ाई भी काम आता ही है। तो देखिए ये जो आंसर हो जाएगा ये एल्कीन हो जाएगा, ठीक है, 147 का बी हो जाएगा एल्कीन। नेक्स्ट प्रश्न 148 में सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है दोस्तों एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसे, एसिटिक एसिड बोला जाता है, सिरके का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 149 है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? नहीं, कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल जो है 149 का जो है हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 150 नंबर का प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर की बोतल खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो दोस्तों ये टोटल 150 नंबर के प्रश्न यहाँ जो है कंप्लीट कर दिए गए हैं। साथ में दोस्तों अगर पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में से आपको दिख जाएगा वीडियो, ठीक है। और आप आने वाले 64वीं बीपीएससी के इसी तरह के प्रश्न जो है आपको प्रश्न को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही एग्जाम होगा तो दिसंबर में होने वाला है, 16 दिसंबर 2018 को, तो उसमें आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए इस इन प्रश्नों के आधार पर, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।